घर और किचन के छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो आज कुछ नए कुछ पुराने यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे टिप्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह के फ्रूट बास्केट हम सभी के घरों में होते हैं और साथ ही साथ ये जाली भी होती है फ्रूट को ढकने के लिए। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि बाहर जाना होता है जिसकी वजह से हम फ्रूट नहीं खरीद पाते हैं, या कभी कभी ऐसे ही नहीं खरीद पाए हैं, या फिर एक्स्ट्रा बास्केट है, हम दूसरे बास्केट में फ्रूट रखे हैं और कुछ बास्केट बची हुई है। तो जब हम इसको ऐसे ही टेबल पर या फिर किचन में मेज पर कहीं भी रख देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको रखने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपके घर में इस तरह से बास्केट या फिर फ्रूट वाली जाली खाली हो जाए तब आप इसको बहुत अच्छे से रख सकती हैं, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और एक जगह सब ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दो बास्केट है और एक ये जाली है। इसी के साथ में मैं एक और भी, मेरे पास ये नेट है, इसको मैं बनाई थी आपके साथ, इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको भी इसी में लगा दे रही हूँ क्योंकि इधर उधर पड़े पड़े ये भी खराब होने लगता है। तो इसको भी इसी में मैं फिट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसको भी मैं इसमें फिट कर दी हूँ। अब इसको रखना कैसे है? अब पेपर क्लिप हम सभी के घरों में होता ही है, कभी कभी होता है एक्स्ट्रा पेपर क्लिप होता है या कहीं से थोड़ा सा टूट फूट गया, तो वो उसको भी आप इस पर लगा सकती हैं। तो इस तरह से पेपर क्लिप लगा दीजिए। अगर आपके पास दो तीन बास्केट और है तो वो भी इसमें लग जाएगा क्योंकि इसमें ढेर सारे बास्केट लग सकते हैं। और उसके बाद इसको हम हैंग कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बास्केट इधर उधर फैला भी नहीं रहेगा, घर भी मेसी नहीं रहेगा और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो है ना कमाल की टिप, इसको आप भी अपने किचन में जरूर अपनाइए। नेक्स्ट टिप है हमारी पापड़ को लेकर। किसी भी तरह का पापड़ हो, अगर इसको ऐसे ही कुछ दिनों के लिए रख दीजिए किसी कंटेनर में करके बाहर ही रख दीजिए, इसमें सफेद सफेद फंगस जैसा लग जाता है या फिर स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो जब भी आपको पापड़ रखना हो तो पापड़ के साइज का अगर कोई डिब्बा है तब तो साबुत आप डिब्बे में रख दीजिए, और अगर पापड़ से छोटा डिब्बा है तो क्या कीजिए, इसको चार या फिर दो फोल्ड में इस तरह से तोड़कर डिब्बे में रख दीजिए। पापड़ जब छोटे साइज का हो जाता है तो इसको फ्राई करने में भी आसानी होती है। और फिर इस डिब्बे को रखिए फ्रिज में। फ्रिज में करके आप इस तरह से पापड़ रखेंगे तो आपका पापड़ 6 से 8 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और धूप दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको जब भी पापड़ फ्राई करना हो निकालिए, फ्राई कर लीजिए, बाकी का बचा हुआ पापड़ फिर से फ्रिज में रख दीजिए। तो छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है, आप भी इसको अपने किचन में अपना सकते। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के मेटल की चूड़ियों को लेकर। तो मेटल की चूड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, कलर फेड हो जाता है, या फिर एक्स्ट्रा कभी कभी होता है कि मैचिंग का नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो इसका हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अपने पेन को रखने के लिए। जैसे हम सभी के घरों में ढेर सारे पेन होते हैं, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तब तो इसकी मात्रा और ज्यादा ही हो जाती है। तो इस तरह से जो कैप वाला पेन होता है इसको आप इसमें बहुत अच्छे से लगा कर रख सकती हैं, एक साथ आपके सारे पेन रहेंगे और गायब होने का डर नहीं रहेगा, पेन खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ढेर सारा पेन इस तरह से इस बैंगल में लग जाता है। तो आपके पास दो चार बैंगल है तो सब में इस तरह से लगाकर और इसको कहीं हैंग कर दीजिए। इसको हैंग करने के लिए भी क्या करेंगे, सेफ्टी पिन लेंगे, सेफ्टी पिन को इस चूड़ी में इस तरह से डालकर और लॉक कर देंगे। अब इसको आप इस तरह से कहीं भी हैंग कर दीजिए, आपके सारे पेन एक जगह इकट्ठा रहेंगे। बच्चों के स्टडी टेबल के पास भी आप इस तरह से इसको हैंग कर सकती है, जब भी जिस भी कलर का उनको पेन चाहिए आसानी से निकाल कर यूज कर सकते हैं। टिप है हमारी आटे को लेकर। जैसे हम कभी कभी कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, अभी छुट्टियां थी तो छुट्टियों में खासकर ज्यादातर लोग कहीं घूमने टहलने चले जाते हैं, तो उस समय अगर घर में आटा रखा है तो आटा बहुत जल्दी खराब होने लगता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं या फिर जाले पड़ जाते हैं। और ये टिप हर तरह के आटे पर काम करेगी, जैसे कि ये है जौ का आटा, तो आप जौ का आटा हो, गेहूं का हो, मिक्स हो, कोई भी आटा हो, यहाँ तक कि बेसन है आपके पास ज्यादा मात्रा में तो बेसन पर भी ये टिप काम करेगी। हींग ले लीजिए, हींग हम सभी के घरों में होता ही है। तो हींग को देखिए थोड़ा सा मैं फाड़ती हूँ इसके रैपर को, आप चाहे तो पूरा रैपर निकाल दीजिए लेकिन मैं पूरा नहीं निकालती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से फाड़ती हूँ। अब इसको आटे के बीच में इस तरह से रख देंगे। अब इस आटे के कंटेनर को हमें नॉर्मल जगह पर रखना है, मतलब कि जहां पर कहीं कहीं होता है ना कि नमी होती है, सीलन हो जाता है, वैसी जगह पर नहीं रखना है। फिर आप इस आटे को रख सकती हैं पूरे 1 महीने के लिए, आपके आटे में ना तो कीड़े लगेंगे और ना ही जाले लगेंगे। तो आटा स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे आसान तरीका है। आपके घर में भी ज्यादा मात्रा में आटा आ जाता है, मिक्स हो, जौ का हो, या फिर बेसन हो, या फिर गेहूं का आटा, कोई भी आटा हो, इस टिप को जरूर अपनाइए, ये टिप बहुत बढ़िया काम करती है।
नेक्स्ट टिप है हमारी कैंडल को लेकर। अभी गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में लाइट बहुत ज्यादा जाती है और जिसकी वजह से कभी कभी इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमें कैंडल घर में रखना पड़ता है। तो कैंडल हम जलाकर रखते हैं तो बहुत जल्दी से ये पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी आपको कैंडल जलाना हो तो इस पर थोड़ा सा इस तरह से सरसों का तेल लगा दीजिए, अच्छे से सरसों का तेल लगा दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा दीजिए। तो जब आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर कैंडल जलाएंगी तो आप खुद फर्क देखेंगी। अगर आपकी कैंडल 15 मिनट जलती थी तो आधे घंटे ये जलेगी, जितनी देर आपकी कैंडल चलती थी उससे दुगना चलेगी। तो छोटी सी टिप है लेकिन यकीन मानिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बचत वाली टिप है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, दो मुहे हैं, बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो बस ये एक चीज आपके बालों के लिए वरदान साबित होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसको लगाने से पहले आपके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये आपको सूट करेगा, पूरे नियम को भी आपको अपनाना है, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी कटोरी और इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नारियल का तेल। आप अपने बाल के हिसाब से नारियल का तेल ले लीजिएगा, तो मैं एक चम्मच नारियल का तेल ली हूँ। अब हमें चाहिए एक चम्मच कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। तो जितना हम नारियल का तेल लेंगे उतना ही इसको भी लेंगे। अब लेंगे एक टेबलेट विटामिन ए का, तो ये बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है। आपके बाल अगर झड़ते हैं तो इससे तुरंत रुक जाते हैं, पहली बार ही आप इसको लगाएंगी तो आपको अंतर पता चल जाएगा। साथ ही साथ कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ को अच्छा करेगा, बालों की लंबाई को बढ़ाएगा, बाल झड़ रहे हैं तो उसको भी कम करता है। तो एक कैप्सूल मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप ज्यादा मात्रा में ऑयल ले रहे हैं तो उसी हिसाब से कैप्सूल भी बढ़ा दीजिएगा। अब तीनों चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिक्स करना है, इसको मिक्स करने का भी प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो दोस्तों इसे आपको लगाना है रात में, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके बाल अच्छे से साफ हों, साफ बालों में आप इसको लगाइए और जड़ों में लगाइए, जहां पर आपको लगे कि बाल ज्यादा खाली हैं, ज्यादा झड़ रहे हैं या जहां बाल ज्यादा पतले हैं वहां पर आप इसको लगाइए। क्योंकि कैस्टर ऑयल इसमें है और विटामिन ई का कैप्सूल है, तो ये दोनों चीजें काफी गाढ़ी होती हैं, तो अगर हम ऐसे ही अपने बालों में लगाएंगे तो कहीं पर ज्यादा लग जाएगा, कहीं पर अच्छे से लगेगा ही नहीं। तो इसको हमें हल्का सा गर्म करना है। हल्का गर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गैस पर रख के नहीं गर्म करना है, इस तरह से किसी बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसमें इसको रख देंगे, 3 से 4 मिनट तक इसी पानी में रहने देंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे तेल हल्का गर्म हो गया है, तो बस आप तेल को लीजिए, फिंगर से, नाखून से नहीं लगाना है, फिंगर से लगाइए इसको। हम बालों की जड़ों में ऐसे हल्के हाथ से लगाएंगे और हल्के हाथ से अपने सिर का मसाज करेंगे और जो तेल बच जाए उसको अपने बालों के लेंथ में लगा लीजिए। रात भर इसको ऐसे रहने दीजिए और सुबह में आप अपने बालों को शैम्पू से धुल लीजिए, जो भी शैम्पू आप लगाती हैं उसे धुल लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू नहीं लेना है, लाइट शैम्पू लीजिए या फिर हर्बल लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। और इसे आपको सप्ताह में 2 बार अपने बालों में लगाना है, अपने सिर का मसाज इसी तेल से सप्ताह में 2 बार करना है। बस ये तेल लगाने के साथ साथ आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना है, हेल्दी फूड आपको खाना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बालों को बाहर से सपोर्ट देंगी। तो बाहर से आपको सपोर्ट तो ये चीजें देंगी और अंदर से आप हेल्दी फूड खाकर अपने बालों को काफी ज्यादा स्ट्रांग कर सकती हैं। तो आप बस इसको 3 महीने के लिए यूज कीजिए, उसके बाद इसका रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगी और मानने को मजबूर हो जाएंगी कि हाँ इन चीजों से बाल बढ़ता भी है और आपके बाल काफी घने भी होते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी दवा के खाली रैपर को लेकर। दवा का खाली रैपर अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकने से पहले हम इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे कि गैस चूल्हा हम सभी के घरों में होता ही है और गैस चूल्हे का यूज हम सभी रोज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी ये गंदा हो जाता है। तो गैस चूल्हे का ये जो कॉर्नर होता है ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, इसमें चीजें फंसी रह जाती हैं गंदगी के रूप में, तो इसको निकालना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मोटी परत जमा हो जाती है जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस खाली रैपर का यूज हम कर सकते हैं गंदगी को निकालने के लिए। तो आप इस तरह से जो हार्ड वाला होता है रैपर उसको लीजिएगा, सॉफ्ट वाला नहीं चाहिए यहाँ पर। तो जैसे कि ये खाली रैपर है तो इसका ये जो किनारी है इससे हम इसको गंदगी को इस तरह से करके निकालेंगे।
कि वैसे तो हम ये काम चाकू से या फिर चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होता है कि गैस चूल्हे का ये जो स्लैब होता है, जो ब्लैक भाग होता है या अलग अलग कलर का आता है, तो इसके खराब होने का डर होता है। और जब हम इससे निकालेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, सारी गंदगी आसानी से निकल आएगी। ये देखिए, आपको दिख रही होगी कैसे निकल रही है गंदगी। ये देखिए कितनी ढेर सारी गंदगी इसमें से निकलती है। तो इस तरह से जब भी आप गैस चूल्हे की सफाई कीजिए तो दवा के खाली रैपर से इसकी किनारी को भी जरूर साफ कर दीजिए। इसमें बहुत सारी गंदगी होती है जो हमें दिखती नहीं है, और जब दिखती है तब तक काफी मोटी परत जमा हो जाती है जिसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। इसमें जम्स भी होते हैं, साथ ही साथ देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी YouTube फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।